हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 313वीं जयंती मनाई गई। 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे महंत श्री जगनपुरी जी योगेश्वर महादेव हीरापुरी। पंचवटी स्थापना और शिवा अभिषेक के साथ ग्राम तीर्थ अभियान का शुभारंभ। महाशिवरात्रि पर्व पर आसरी मठ जैसलमेर में रुद्राभिषेक का आयोजन। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के टंकण परीक्षा के लिए आवेदन 28 फरवरी तक आमंत्रित। बीएसएफ के सीमा प्रहरी दे रहे बालिकाओं को क्रिकेट का प्रशिक्षण। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूँ योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 313वीं जयंती मनाई गई। ग्राम कर्मों की ढाणी में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 313वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम आयोजित कर महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही दीप प्रज्वलन कर उनकी वीरता को याद किया गया। महिपाल सिंह राठौर चांदन ने कहा कि बर्बर मुगल आक्रांताओं का भयाक्रांत कराने वाले योद्धा, धर्म ध्वज के रक्षक, हिंदी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने हमेशा प्रजा के लिए अन्याय के खिलाफ लोगों की भलाई की है। शिवाजी महाराज को सैन्य रणनीतिकार, कुशल प्रशासक और वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। अंत में कहा कि धर्म और राष्ट्र की सेवा हेतु आप युगों युगों तक हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे महंत श्री जगनपुरी जी योगेश्वर महादेव हीरापुरी। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और संन्यास में तप परंपरा के निर्वहन के उद्देश्य को लेकर महंत जगनपुरी योगेश्वर महादेव मंदिर हीरापुरी का मठ जैसलमेर से 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के पर्व से 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के संबंध में महंत ने बताया कि एक वर्ष में लगभग 9000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सर्वप्रथम उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ का दर्शन, फिर आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु के रामेश्वरम, पुणे स्थित भीमाशंकर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, संभाजी नगर के घंटेश्वर, इंदौर के ओमकारेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर, गुजरात के नागेश्वर और अंत में सोमनाथ का दर्शन करेंगे। इस अवसर पर महंत भगवान भारती, राजानाथ, गणपतनाथ, धनगिरी, सेठगिरी, केवलपुरी, बाबूपुरी, किशनपुरी और सर्व समाज धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे। पंचवटी स्थापना और शिवा अभिषेक के साथ ग्राम तीर्थ अभियान का शुभारंभ। गायत्री परिवार की युवा इकाई दिया द्वारा कन्नोई ग्राम में महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्राम तीर्थ अभियान का शुभारंभ पंचवटी वृक्षारोपण और शिवा अभिषेक द्वारा किया गया। दिया प्रवक्ता और कार्यक्रम प्रभारी लून सिंह कन्नोई ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ वीर आल्हा जी मंदिर पर ग्रामोत्कर्ष की प्रार्थना और पीपल, बरगद, आंवला, बेलपत्र, नीम की पंचवटी का पूजन और वृक्षारोपण द्वारा हुआ। इस अवसर पर शाम को ग्राम सभा स्थित महिपेश्वर महादेव पर शिवाभिषेक किया गया, जिसमें हरीश गोयल, कंचन देवी, गोपाल दया व कंवरा देवी, अम्बा सिंह और मानु कंवर, राजेश राठौड़ और संगीता, मुकुट शर्मा और अनिता ने मंगल कलश, गणेश गौरी, कार्तिकेय, नंदी, शिवगण का पूजन किया और वेद मंत्रों के साथ दूध, दही, मधु, घी, पंचामृत, भस्म, गंध, हल्दी, स्नान आदि समर्पित किए। सभी उपस्थित ग्रामवासियों मान सिंह, प्रयाग सिंह, सवाई सिंह, चंदन सिंह, मूलचंद दया, नारायण दया, अशोक बोरावट, स्वरूप सिंह, गणपत नायक, गैमर सुथार, नयन सुथार, टीकम चंद, लालचंद, मोतीलाल, अमर सिंह भोजराज, मनोहर सिंह, महेंद्र सिंह, अशोक नायक, दुर्जन भाटी, जीत सिंह आदि ने सर्व कल्याण और विश्व शांति हेतु महाकाल कीर्तन के साथ महादेव का जलाभिषेक किया और महाआरती के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर दिया जैसलमेर के नरेंद्र सिंह डांगरी, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, महिपाल सिंह, नरपत लाल शर्मा द्वारा दिया कन्नोई की ग्रामोत्कर्ष की टीम के सभी सदस्यों का तिलक लगाकर और साहित्य भेंट कर सम्मान किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर आसरी मठ जैसलमेर में रुद्राभिषेक का आयोजन। आसरी मठ के महंत योगिनी धनियानाथ जी महाराज ने अपने दाता गुरु श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन योगीराज श्री निरंजन नाथ जी महाराज और अपने सदगुरु प्रातः स्मरणीय श्री 1008 ब्रह्मालीन योगीराज श्री शिव मुखनाथ जी महाराज की समाधियों पर मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक कर पूजन किया।
विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं ने आसरी मठ के महंत श्री श्री 108 योगिनी धनिया नाथ जी महाराज को श्री श्री 108 श्री शिव सुखनाथ जी महाराज का स्वरूप मानकर उनको गुरुदेव का स्वर्ण मुकुट धारण करवाया और पूजन किया। बीकानेर से आए हुए प्रखर पंडित वेदाचार्य प्रहलाद महाराज और पंडित पवन शास्त्री ने भगवान महादेव का शिवरात्रि पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रुद्राभिषेक किया। रात भर वैदिक मंत्रों की ध्वनि लय के साथ गूंजती रही। कार्यक्रम में चून सिंह दूजासर, शोभ सिंह बैया, सुमेर सिंह छायण, बीजराज सिंह रामदेवरा, मिश्री सिंह सोडा, चतुर्भुज प्रजापत, अशोक सुथार, बंसीलाल प्रजापत, प्रेम सिंह, शैतान सिंह, गिरिराज सिंह, जुजार सिंह, चंदन सिंह, प्रभु सिंह, चतुर सिंह बाडोड़ा, आयदान सिंह झेलू राम सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को टंकण परीक्षा में आवेदन 28 फरवरी तक आमंत्रित। आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा नियुक्ति के पश्चात तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है कि टंकण परीक्षा के लिए आवेदन 28 फरवरी तक आमंत्रित किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अध्यक्ष टंकण परीक्षा आयोग समिति गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि जिले में नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है वे 28 फरवरी तक अपना आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात टंकण परीक्षा के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टंकण परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ₹500 का नवीनतम डिमांड ड्राफ्ट अध्यक्ष टंकण परीक्षा आयोजन समिति और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर के नाम से जमा कराना होगा। टंकण परीक्षा आवेदन पत्र जिला स्तर से संचालित वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीएसएफ के सीमा प्रहरी दे रहे बालिकाओं को क्रिकेट का प्रशिक्षण। बीएसएफ के जवान सीमा की रक्षा करना हो या सामाजिक सरोकार हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। इन दिनों बीएसएफ के अफसर और जवानों द्वारा रामगढ़ में बालिकाओं को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें सरकारी स्कूल की बालिकाओं को क्रिकेट के गुर सिखाए जा रहे हैं जिससे बालिकाओं में आत्मविश्वास के साथ साथ खेल के प्रति भी जागरूकता आए जो कि महिला सशक्तिकरण में भी उपयोगी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।